नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और हलचल इंडिया में फिलहाल वक्त हो चला है इस वक्त की बड़ी खबर का। शामली पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव के दिशा निर्देशन पर कैराना के पब्लिक इंटर कॉलेज के ग्राउंड में पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में जवानों द्वारा कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का अभ्यास कराया गया, जिसे पुलिस की शब्दावली में बलवा ड्रिल भी कहा जाता है, जिसमें शामली जनपद के कैराना कोतवाली थाना, कांदला थाना, झिंझाना महिला थाना शामली की पुलिस फोर्स शामिल रही। एसपी शामली सुकीर्ति माधव द्वारा विपरीत परिस्थितियों पर उग्र हो रहे प्रदर्शनकारियों, दंगाइयों से कैसे निपटें और शांति व्यवस्था कैसे नियंत्रित करें, इस संबंध में अपने मातहतों को विस्तार पूर्वक समझाया गया। एसपी शामली के आदेश पर आरआई द्वारा पुलिस कर्मियों को दो पार्टियां बनाया गया, एक पार्टी को प्रदर्शनकारी दंगाई बनाया गया तो दूसरी पार्टी को मजिस्ट्रेट, डॉक्टर, पुलिस, आर्म्स पार्टी सहित अलग अलग पार्टियां बनवाई गई। बलवा ड्रिल में बकायदा प्रदर्शनकारी व पुलिस के मध्य चर्चा समझाइश दिखाया गया। जब दोनों पक्षों के बीच बातचीत में समाधान नहीं हुआ और प्रदर्शनकारी दंगाई उग्र होकर कानून का उल्लंघन करने लगे, तब पुलिस पार्टी, आंसू गैस व अन्य दंगा नियंत्रण उपकरण व शस्त्रों का प्रयोग प्रदर्शनकारी दंगाइयों को नियंत्रित किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारी दंगाइयों के हमले में घायल पुलिसकर्मियों का बचाव का अभ्यास जवानों को कराया गया। बलवा ड्रिल अभ्यास के दौरान एक पुलिसकर्मी घायल हुआ, घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बलवा ड्रिल में अपर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह, सीओ कैराना बिजेंद्र भड़ाना, कांदला थाना प्रभारी निरीक्षक, कैराना कोतवाली प्रभारी कार्यवाहक राधेश्याम, थाना झिंझाना प्रभारी प्रशांत कपिल आदि अधिकारीगण मौजूद रहे। देखिए, लगातार जो बार बार जो है वो हम लोग हर एक महीना एक एंटी रायट ड्रिल का यहाँ पर प्रैक्टिस कराते हैं। अभी आप इसका प्रैक्टिस करेंगे? आज भी यहाँ पर ये कैराना सर्कल का ही कराया गया है प्रैक्टिस के लिए। इसमें हम कैसे मिनिमम यूज ऑफ फोर्स करके जो इलीगल जो हमारी क्राउड होती है उसको डिस्पर्स कराने का जो तरीका है वो इनको वापस बताया गया है और इसकी प्रैक्टिस करेंगे।